हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो कई दिनों से वो अपने चैनल पे अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड और लाइव स्ट्रीम कर नहीं रहे और अभी वो थोड़ा अपने चैनल पे इनएक्टिव भी है। तो इन सब के ऊपर ही अनग्रेजुएट गेमर ने रिप्लाई दिया, तो आप लोग उनका ये क्लिप देख लीजिए। सो भाई लोग, यहाँ पे मौसम हो रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा सुहाना। आप बताना आपकी तरफ कैसा मौसम हो रहा है। और मैं ये वाली स्टोरी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस कुछ दिनों से अपन लोग थोड़ा इनएक्टिव सा हो रहे हैं। उसके दो रीजन ये हैं गाइस। पहला FFIC, ठीक है, FFIC चल रहा है तो थोड़ा वहाँ पर ज्यादा टाइम दिया जा रहा है प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा मौका है तो आप भी सपोर्ट करते रहना। और दूसरा गाइस, यहाँ पे घर पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो पीछे, ठीक है, 15-20 दिन हो गए। चलो आप गैस करना क्या है, ये क्या बन रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे में लाइव स्ट्रीम तो भूल ही जाओ, पूरे दिन तोड़फोड़ की बात आती रहती है भाई। ओके, एंड कंप्लीट होने पे मैं आपको पूरी वीडियो तो दिखाई दूंगा, वैसे आप गेस करना क्या है ये। ओके, एंड हमारा अगला न्यूज़ है रॉकी एंड RDX के बारे में। तो रॉकी भाई इस बार कॉलकॉम टूर्नामेंट के फाइनल का कास्टिंग करेंगे और ये रॉकी भाई का पहला लैंड इवेंट का कास्टिंग होगा। तो इसके ऊपर रॉकी भाई ने क्या कहा था, सुन लीजिए। रॉकी भाई स्पेशली इनवाइटेड जो है किए गए हैं हैदराबाद के लिए। तो गाइज, हैदराबाद से रॉकी भाई जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के हेडक्वार्टर से फिनाले का कास्टिंग करेंगे। एंड इन सब के लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये मेरा पहला आई थिंक लैन इवेंट होने वाला है जहां पे रॉकी भाई जो है लैन से वहां पे यू नो कास्टिंग करेंगे। मैंने आज तक जो है लैन इवेंट में कभी कास्टिंग की नहीं है। This is going to be the first time for me. अगला न्यूज़ है टू साइड गेमर्स के बारे में। तो TAG ऋतिक ने एक स्कीम के बारे में बात किया और ये स्कीम फ्री फायर के बाहर का था। दरअसल ऋतिक ने एयरपोर्ट में हो रहे करप्शन के ऊपर बात किया। तो ये पूरा सीन क्या था और इसके ऊपर ऋतिक ने क्या कहा था, सुन लीजिए। इसीलिए ले गया भाई, एयरपोर्ट पे क्या स्कैम चलता है भाई, गलत। एयरपोर्ट पे कोई स्कैम नहीं चलता है भाई, एयरपोर्ट का मैंने एक स्कैम देखा है, पता है। ये जो बाहर से ये अभी आईफोन लेके आ जाएंगे ना, अभी देख आईफोन रिलीज होगा 24 सितंबर में और 25 सितंबर को इंडिया में आ जाएगा, भले इंडिया में आए नहीं हो किसी के, बस वो कैसे आता है पता है तेरे को भाई, जब एयरपोर्ट पे वो चेकिंग होती है ना, वो जिधर से सब तू बाहर का सामान लाता है तो तेरे को पकड़ लेते हैं, टॉप करके उसको टोचन में से 500 रुपए का नोट निकाल के देते और वो सब मशीन में नहीं डालता वो चीजें भाई। मेरे सामने हुआ है ये चीज, तेरे सामने मेरे को। हाँ, अब बात करते हैं सुनीता लेजेंड और टू साइड गेमर्स के बारे में। तो लेजेंड के आईडी से सुनीता के आईडी में एक मेल किया गया जिसमें लिखा था क्या सुनीता लेजेंड की गर्लफ्रेंड बनेगी और इसके पीछे क्या सीन था, ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और लेजेंड का प्रपोजल देख के सुनीता का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था और उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा था, सुन लीजिए। सीन पे यहाँ पे आप लोगों की एक बात ध्यान चाहती हूँ, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं लीजेंड को रिप्लाई देती हूँ गाइस। क्या रिप्लाई दूँ, यस बोलो या नो बोलो, बोलो मैं क्या रिप्लाई दूँ। बोले कि विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, यस बोल के मैं भी गिफ्ट कर दूँ क्या यही बंडल। हाँ चलो, हाँ लिख दिया गाइस। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसके ऊपर सुनीता का क्या कहना था, पर ये सब जो भी किया था वो लेजेंड ने नहीं बल्कि TAG ऋतिक ने किया था और ये एक तरीके से प्रैंक था। तो आप लोग उनके ये क्लिप देख लीजिए। सुनीता जी को, सुनीता, अरे भाई सुनीता को लिख के भेजते हैं हम गाइस लेजेंड भाई के साथ, विल यू बी माय जेफ। गाइस ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या होने वाला है, बट यार करते हैं ना भाई कुछ तो मजेदार करते हैं। डिस्काउंट क्यों लगाएंगे हम, लेजेंड भाई की आईडी है विदाउट डिस्काउंट। और अगला न्यूज है फेम क्लेशर के बारे में। तो फेम क्लेशर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने FFIC के क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया। तो आपको पता होगा कि इस बार FFIC में कई सारे टीम डिस्क्वालीफाइड हो गए क्योंकि उनके टीम में 16 ईयर से नीचे का प्लेयर है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यह सब गैरेना का रूल था जिसके वजह से इन टीमों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया। पर अभी सवाल ये उठ रहा है कि टोटल गेमिंग और टीम केओएस के एक एक प्लेयर भी 16 ईयर से नीचे है पर इन टीमों को FFIC से डिस्क्वालीफाइड किया नहीं गया। तो ये अगर सच में हुआ है तो ये गैरेना की तरफ से बाकी टीमों के लिए काफी नाइंसाफ ही है। और इसी के ऊपर फेम क्लेशर ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया जिसमें ये दिख रहा है कि टोटल गेमिंग टीम के प्लेयर TG माफिया का S15 ईयर्स दिखा रहा है। और इसके साथ ही फेम क्लेशर ने इसके ऊपर और क्या कुछ कहा था उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
ऐसा हो रहा है कि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। अगर गरेना का रूल है तो वो रूल सबके लिए इक्वल रहना चाहिए। देखो गरेना का ज्यादातर डिसीजन सही होता है, इस बार पता नहीं ये भेदभाव क्यों। दो ऐसी टीम है जिसमें से एक एक प्लेयर का एज कम था बट फिर भी उनके टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। एक टीम है अभी टोटल गेमिंग एंड सेकेंड है टीम के। यहाँ पे पार्शियलिटी कुछ ऐसा हुआ है कि टोटल गेमिंग की टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ टोटल गेमिंग के एक बंदा जिसका एज कम था माफिया उसको किया गया, ना कि पूरी टीम को। एक टीम तो ऐसी है जिसमें एक प्लेयर अंडर एज है फिर भी खेल रहा है और भैया वो टीम है टीम के। और अभी जो भी और वी आर गेमर्स ने क्यूएनए वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बेज 99 के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि एक बार उन्होंने बेज 99 के साथ कलेक्शन वीडियो बनाने के लिए बेज 99 को 2,00,000 रुपए दिया था ताकि बेज 99 वी आर गेमर्स को भी प्रमोट करे। पर वी आर गेमर्स का ये कहना था कि 2,00,000 रुपए लेने के बाद भी बेज 99 ने उनका अच्छे से प्रमोशन नहीं किया। बस वीडियो के आखिर में उन्होंने वी आर गेमर्स का एक छोटा सा नाम लिया। तो इसमें वी आर गेमर्स ने एक तरीके से बेज 99 के साथ उनका क्या कुछ हुआ था उसके बारे में खुलासा किया। तो आप लोग खुद उनका ये क्लिप देख लीजिए और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अदर्स यूट्यूबर्स के साथ 1v1 क्यों नहीं करते? प्लीज एक बार मेरे फेवरेट यूट्यूबर बैट्स 99 के साथ वर्सेस करो। आप दोनों मेरे फेवरेट यूट्यूबर हो। लव यू सो मच ब्रो। किस वाला इमोजी। ओके सो सबसे पहले यार लव यू सो मच शिवम शर्मा भाई एंड थैंक यू सो मच जो मैं आपको इतना था पसंद हूँ। बट सॉरी फॉर दैट, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है कि आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बोला कि आपकी फेवरेट यूट्यूबर है बेस्ट 99 एंड आप चाहते हो कि उनके साथ 1v1 करूं, बट सैडली शिवम ब्रो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज गाइज जैसे कि आपने बोला आपके फेवरेट यूट्यूबर बैट्स 99, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। अगर आपको इनके साथ एक गेम प्ले करना है ना तो उसके लिए आप लोगों को उनको पहले 2-3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, देन उनके साथ आप लोग एक वीडियो बना सकते हो, एक गेम प्ले कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बंदे बैट्स 99 को पहले से देखते हैं मेरे को भी देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि पास्ट टाइम में बैट्स 99 ने मेरे साथ कलेक्शन वर्सेस की वीडियो डाली थी अपने YouTube चैनल पर, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन वो वीडियो क्यों डाली थी और इस वीडियो के डालने के पीछे क्या क्या डिमांड थी ये आप लोगों को नहीं पता होगा। सो गाइस मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सो बेसिकली गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो वीडियो एक प्रमोशन वीडियो थी जो मैंने उससे करवाई थी एंड उस प्रमोशन को करने के लिए, उस वीडियो को बनाने के लिए, उस वीडियो को अपलोड करने के लिए उसने मेरे से 2,00,000 रुपीज की डिमांड की थी। जी हाँ गाइस 2,00,000 रुपीज की उसने मेरे से डिमांड की थी और मैं सच बताऊँ तो मैंने उसको 2,30,000 रुपए दिए थे ताकि वो अच्छे से प्रमोशन करे और मेरे बारे में पहले ही ऑडियंस को बता दे ताकि जो भी ऑडियंस है मैं उन लोगों को और गिवअवेज दे सकूं एंड थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए। लेकिन सच बताऊं तो गाइस उसने बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बोला था, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बोला था जिससे कोई भी फायदा नहीं हो। मैंने फर्स्ट टाइम में सोचा मैंने कि चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया। काफी सारे लोगों को ये सब बोलना पसंद नहीं है, प्रमोशन करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए शायद उसने लास्ट में बोल दिया होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन गाइस फिर एक ट्विस्ट आता है, मेरे को बाद में पता चला वो बंदा मेरे फ्रेंड को बोलता है कि मैं आयुष का इस बार बहुत अच्छे से प्रमोशन करूंगा, इस बार वीडियो के आगे बोलूंगा, तो उसको मेरे से 3,00,000 रुपए दिला। तो गाइस आप समझ सकते हो कि क्या सीन है यहाँ पे, आप लोग खुद समझदार हो, आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं उनके साथ 1v1 क्यों नहीं करता। अगर और आपको पता है कि जीएसके वेरीफाइड का चैनल उनके मैनेजर ने धोखे से डिलीट कर दिया और उसके बाद जीएसके वेरीफाइड ने अपने चैनल को वापस लाने के लिए ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, तो अभी इसी ट्वीट के ऊपर यूट्यूब इंडिया ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि उनका चैनल वापस आ नहीं सकता। तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर आगे कोई भी अपडेट आता है या नहीं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो एसिन आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर और डायनो गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 1,000,000 सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके साथ ही आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।